टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में राशन डीलर की खबर चलाने के नाम पर अवैध उगाही का मामला सामने आया है। अवैध उगाही का आरोप राशन डीलर ने दो तथाकथित पत्रकारों पर लगाया। शक होने पर राशन डीलर का बेटा दोनों आरोपियों को थाने ले गया। पुलिस ने तलाशी ली तो इन दोनों तथाकथित पत्रकारों के पास से दो फर्जी आधार कार्ड भी पुलिस को मिले। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों तथाकथित पत्रकार अपना नाम बदलकर शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर रानायच पहुंचे थे, जहां राशन डीलर को कम राशन बांटने की खबर चलाने का भय दिखाकर उनसे 5,000 रुपये की मांग की। राशन डीलर का आरोप है कि उसने इन्हें 4,000 रुपये भी दिए थे। ग्रामीणों ने जानकारी ली तो आरोपी ने अपना नाम कुछ और बताया। इसके बाद राशन डीलर का बेटा दोनों आरोपियों को थाने ले गया। क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह की माने तो दोनों आरोपी राशन डीलर पर कालाबाजारी करने का आरोप लगा उनसे अवैध उगाही करते थे। कल जो है शिकारपुर में दो मुकदमे कायम हुए, एक क्राइम नंबर 118 पर और एक क्राइम नंबर 120 पर। दो फर्जी पत्रकार जो राशन डीलरों को डरा धमका के पैसे की मांग करते थे, तो एक मुकदमा पुष्पेंद्र सनोप जो है हरिश्चंद सिंह और एक मुकदमा पुष्पेंद्र सनोप रामवीर सिंह, इन लोगों ने लिखाया। इन लोगों से इन्होंने फर्जी धमकाया कि हम आप कालाबाजारी करते हैं राशन की, आपकी खबर चलाएंगे चैनल पर और नहीं तो हमको पैसे दो। तो इन्होंने पैसे लिए और भी ये बात प्रकाश में आ रही है कि कई जगह इन लोगों ने इस तरह से कृत्य किए हैं और इनके पास से दो फर्जी आधार कार्ड मिले हैं जिनमें फोटो इनके लगे हैं और नाम बदले हुए हैं उसमें। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता में 384, 420, 467, 468 और 471 का मुकदमा कायम कर जेल भेजा जा रहा है। सीओ शिकारपुर ने बताया कि इन दोनों के पास से दो फर्जी आधार कार्ड भी मिले हैं। इससे पहले भी शिकारपुर क्षेत्र के एक राशन डीलर से अवैध उगाही का आरोप इन दोनों तथा कथित पत्रकारों पर लगाया गया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो चीफ आलम सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।